जी सभी प्रेम से अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, किसी ने भी खड़े नहीं रहना। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए ही सत्कार में नारा बोलना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं, और जो भी बहने भाई यहाँ खड़े हैं या कहीं भी और बाहर पंडालों में खड़े हैं, सभी से प्रार्थना है प्रेम पूर्वक बैठ जाएं, शोर न करें, आराम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बहुत ही प्रेम से आप सजे हुए हैं, तो इसी प्रकार सभी प्रेम पूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और शोर बिल्कुल भी ना करें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अग लगी संसार दे शहर अंदर, काला हो रहा सारा संसार साई, किधरे क्रोध मचे किधरे लोभ मचे, पांबड़ बाल दा किते हंकार साई, त्राही मां त्राही मां अज पई होवे, कोई सुने ना कूक पुकार साई, मीत जी मारो शिटा शोले दग दे, देवो तार साई देवो तार साई। करां दुआ साईं मैं इक, करां दुआ साईं इस बल दी दुनिया ते, इस बल दी दुनिया ते कुछ ठंड वरता साईं, करां दुआ साईयां इक, करां दुआ साईयां, करां दुआ साईयां मैं इक, करां दुआ साईयां। मजबां दे ना उत्ते कोई झगड़ा ना होवे, गिरजा घर दे विच दी मस्जिद नूरा होवे, गिरजा घर दे विच दी मस्जिद नूरा होवे, धर्मां दे ना उत्ते धर्मा दे ना उत्ते ना लड़न परा साईयां, करां दुआ साईयां मैं इक, करां दुआ साईयां, करां दुआ साईयां मैं इक, करां दुआ साईयां।
हर टैनी टूट जावे नशियां दे सागर दा हर कतरा सुक जावे नशियां दे सागर दा हर कतरा सुक जावे एथे प्रेम प्यारां दी एथे प्रेम प्यारां दी सदा वगे हवा साईयां करां दुआ साईयां इक करां दुआ साईयां सब कुछ कर सकदे साडी रूह दे जख्मां नूं इक पल विच भर सकदे साडी रूह दे जख्मां नूं इक पल विच भर सकदे तेरी नजर सवली दा शुगवा साईयां करां दुआ साईयां इक करां दुआ साईयां भरपूर रहे सेवक तेरे मत दा साया भरपूर रहे तेरी कृपा दे सदके तेरी कृपा दे सदके मेरे चल दे सा साईया करां दुआ साईया मैं इक करां धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भाई बाल मुकेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पाके सतगुर जी दर्शन तेरा 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 खुशियों में झूमे ये मन मेरा मेरा पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा खुशियों में झूमे ये मन मेरा पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा खुशियों में झूमे ये मन मेरा
लगा मीठा मीठा हमको एहसास, दिल में बसे हो सतगुरु आप ही आप, तुझसे मुलाकातें खुली बातें सरे आम है, दूर हुआ गमों का अंधेरा खुशियों में चमका नया सवेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमे ये मन मेरा। किसी से करूं क्या तुलना, नहीं कोई सानी, हुआ है ना होगा कोई ऐसा दिल जानी, बड़ी मनमोनी कैसी सोनी सब अदाएं, देखा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा, खुशियों में झूमे ये मन मेरा मेरा मेरा। जब से बंधी है तेरे प्रेम की डोर, मस्तियों में झूमे मेरे मन का मोर, बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी न्यारी हर बात है, महका खुशबू में चार चुफेरा, खुशियों में झूमे ये मन मेरा मेरा मेरा। शासत नाम जी गुण कैसे कोई गाए, सागर मटके में कैसे समाए, बड़ा प्यारा प्यारा है नजारा हर बात में, देखा घट घट में तेरा ही डेरा, खुशियों में झूमे ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमे ये मन मेरा मेरा मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, बहुत ही प्रेम से आप बैठे हुए हैं पूरे देश में पूरी दुनिया में, जूम मीटिंग के तहत बड़े बड़े पंडालों में आप सजे हुए हैं, और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप सत्संग के साथ राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से प्रार्थना है प्रेम पूर्वक इसी प्रकार जुड़े रहें, और पूजा गुरु जी के जो यूट्यूब चैनल का जो ये लिंक है सेंट MSG, इसको आगे के आगे शेयर करते रहें ताकि और लोग भी सत्संग के साथ जुड़ सकें। तो सभी ने इसी प्रकार जुड़े रहना है, बैठे रहना है, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी सत्संगत सेवादार यहाँ पधारे हैं और सामने लाइव पे पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं,
आप सबका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आने के लिए, बुराइयां त्यागने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो मालिक के प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिसे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में, पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसे ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है। हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी, दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है, ऐसा था। हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ। एटम कैसे बनाए, हाइड्रोजन अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए, जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ही ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी, पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए,
ये जिंदा नहीं हो रहे, ये सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था सुजैन या ऐसा कुछ नाम था, तो उनके मदद से रावण ने अपने तीन या पांच बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे उनके सेल लेके समुंदर की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1,00,000 बच्चा पैदा कर दिया था। तो सफल क्लोन ज्ञाता था वो सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी ये चीज, हमें पढ़ने में आई पर हर किसी की नहीं आती। आप जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते हैं ना बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर हैं। कौन किस लेयर तक पहुंचता है ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो या स्टेमिना एस्टेमिना कह लो, कुछ भी कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है। स्टेमिना उसका इतना ही होता है, लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे और जाते हैं आज भी और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे, तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में, वो कहने लगे गुरुजी हमारे उधर एलए में, लॉस एंजलिस को एलए बोल देते हैं, कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से, कि क्यों क्यों दबा दिया गया। उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञानम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहबान ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं, और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। लगता लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाक किया है, अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा, क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ, क्यों, इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई। आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे, तो क्या फर्क पड़ता है, नींद आ गई तो आ गई, जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है पवित्र वेदों में
कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपके डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई है, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई हमने, आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। तो वहीं पे आते हैं कि अगर आप अच्छे विचार, और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं, और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी 1.5-2 घंटा हो गया हो फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना है वो 8 गुना भी हो सकता है, क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई, जो हरे रंग के पाए जाते हैं ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोलें तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे, लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी, रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नए बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था, भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है। आज थोड़ा सा उसको आप कभी नहीं मानते थे पहले, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना, ये देख लो पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है सामने, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे, आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ल्ड सीखने आता था इस देश में, आज गुम कर दी है, तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए, आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुद ही में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता तो मान लेती कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, ये हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़फते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है, ना कि यहां पहले ही महल बने हुए वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के, घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो, उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना, जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी, जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है,
हमारे करोड़ों बच्चों ने अजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। हाँ पीछे बच्चे हाथ खड़ा करने लगे कि हाँ जी ऐसा होता है, तो आप देख सकते हैं सेवादार उधर लाइव पे भी कितने बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, ये देख हाईलाइट किया है, यहाँ ज्यादा लोग बैठे। तो ये कोई झूठ नहीं, हमने कोई इनको पढ़ाया नहीं कि हाथ खड़े करना, अपने आप क्योंकि इनको फील हुआ है तो हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे बेटा, ऐसे कर्म करते रहो लगातार ताकि और खुशियां लो और असीम शांति आपके अंदर आए। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया तो वो उस धर्म का नाम हो गया, लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ, जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया, वर्ण, वर्ण बनाए, जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता, तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ चार वर्ण, ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है, उनकी जुतियां बनाता, अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है, और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्ण रखा था। तो बताइए कैसे हो गया। दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है? जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दोगे ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती। राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार, इसकी दो बोतलें खून की ले लेते हैं, तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं, धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है, ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है, बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़िया घर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे, ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है फलां घूम रहे, कभी नहीं। और सोचो मनोदशा देखो आदमी की, माइक दे देते हैं सबको, आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप, तब तो सारे आपके भाई हैं, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बच्चे हैं, बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आब कैसे कह दिया, कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता। लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते, कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आब कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो?
ये बताओ, आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है, तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग, क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया, अंदर का मटेरियल तो सेम है, थोड़ा फर्क हो सकता है वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर साहबान थे, आज वो हमसे कभी मिले नहीं है, अभी कभी बात नहीं हुई उनसे, हम उनका कुछ नहीं कहते ना हम उनका नाम बोलते हैं, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे, गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूँ, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूँ, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो क्या सीधा फ्लो है या सर्कल में लाइक ए बुलेट है। हाँ बैठ जाया करो भाई, आप चल फिर क्यों रहे हैं, बैठ जाया करो अपनी जगह पे, आराम से, सारे बैठे तो आप क्यों। तो वो कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि ब्लड का जो फ्लो है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है। हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है, क्योंकि हमने एक अंदर से ख्याल आया सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज़्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका धड़कने में आराम आ जाए बीच में, वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज़्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है, और बताइए आप कहाँ तक पहुँचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में, सारे ही धर्मों में। पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं, वैसे तो आदकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने, बाकी धर्म बाद में बने, लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा, क्योंकि वो रिसर्चकर्ताओं द्वारा लिखा गया है, वो हमारे उन संत पीर पैगंबरों द्वारा लिखा गया है जिन्होंने रिसर्च किया समाज के लिए, भगवान के नाम पे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम पे, और फिर जो चीजें निकल के आई वो समाज के भले के लिए निकली थी, किसी को बुरा करने के लिए नहीं निकली थी, किसी का बुरा सोचने के लिए नहीं निकली थी। तो इसलिए आप धर्मों की बात को माने, और हम जरूर चाहेंगे हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं, डॉक्टर साहबान हैं, शरियाम भी सुन रहे होंगे और चुपके चुपके भी सुन रहे होंगे, होता है क्योंकि फोन हाथ में चुपके से, मतलब यार ये मुझे टोक ना दे, बाबा जी की बात क्यों सुन रहा है, गुरु जी की बात क्यों सुन रहा है। तो चलो जी आप जैसे भी सुन रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं, बढ़िया है आप सुन रहे हैं, बस इतना ही काफी है। पर हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना, जो भी इसका स्पेशलिस्ट हो जरूर आपके अंदर एक जोश जगाइए और डीएनए तक पहुंचिए, कोई रिसर्च कीजिए आप, जो हमारे पवित्र वेदों में कि एक दिन में जख्म पे भरा और जख्म अगले दिन वो युद्ध के लिए तैयार है और युद्ध लड़ने जा रहा है, गजब नहीं हो गया? सिर्फ वो मांस का लोथड़ा ही नहीं भरा, वो इतना टोंड हो गया, इतना मजबूत हो गया कि अगले दिन उसी हाथ से फिर वो ही तलवार चला रहा है, गजब है, कमाल हो गई।
और उनमें से एक यहां भी एक जड़ी बूटी देखी अजमा के, यही यूपी की देन है वो पुराने समय से, तो वो हमने देखी अजमा के, जिसकी हड्डी टूट जाती है अगर बीच में मांस नहीं, 7 दिन में हड्डी जुड़ जाती है बिना प्लास्टर के, वो आश्रम में फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जंगलों में से लेके आते हैं उसको जड़ी बूटी को, और उसके पाउडर और कुछ किया जाता है, तो वो अजमाई हुई चीज है। एक सरपंच साहब थे यहीं के, हो सकता है सेवादार में बैठे हों, वो कहने लगा गुरु जी मैं 4 गुना ले गया, अरे मेरे भैंस के कटड़े का पैर टूटा हुआ था, मैंने उसको दे दिया और कटड़ा 9x9 हो गया 5-7 दिन में। तो हमें नहीं पता वो सरपंच साहब हैं या नहीं बैठे, लेकिन सुन रहे होंगे शायद कहीं। तो कहने का मतलब वो दवाई काम तो करती है, अब पशु तो टिकता नहीं ना, आपने देखा है, कहता बस वो टेढ़ा सा पैर था वहीं जुड़ गया और 5-7 दिन में। तो कहने का मतलब वो चीजें तो हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर रिसर्च जरूरी है, उस पर हमें टाइम देना जरूरी है। बिना टाइम के तो आप बीए नहीं कर सकते, आप प्लस टू नहीं कर सकते, अरे छोड़िए आप नर्सरी नहीं कर सकते अगर टाइम नहीं देंगे तो, टाइम तो देना पड़ता है। तो उसी तरह आप धर्मों के लिए टाइम देके देखिए, आप कभी मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देखिए जो अभी अभी आपको दिया है हमने, हम चैलेंज करते हैं आपको, 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं, आपकी कैसी भी हैबिट हो, कितना भी ड्रग लेते हो, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन बैठे बैठे यहां आधा घंटा कर लो, आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी नशे से, छूट जाएगा नशा, ये गारंटी है, 6 करोड़ का छूट चुका है, आपका क्यों नहीं छूटेगा। तो धर्म में इतनी पावर है, उन रिसर्च करता, हम उन्हें संत पीर पैगंबर कम कहते हैं, उन्हें हम रिसर्च करता कहते हैं, महान रिसर्च करता, हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि जिन्होंने हमें इतने पवित्र ग्रंथ और इतना अनमोल ज्ञान लिख के दिया, अब फॉलो हम ना करें तो क्या करें, गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। एक लेक्चरर, एक टीचर, एक मास्टर, एक प्रोफेसर अपनी क्लास को पढ़ाता है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरिट लेते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, फेल भी हो जाते हैं। अब फेल वाले ये कहें कि टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया तो फिर मेरिट कैसे आ गई, बताइए। तो कहने का मतलब गुरु का काम पढ़ाना है, सिखाना है, बताना है, अमल करना, उस पर चलना तो शिष्य का काम होता है। अब पेपर में लिख के कुछ नहीं आए तो टीचर क्या करे बेचारा, तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सीखने में चूक, सीखने में अगर चूक है, सीखने वालों में चूक है, तो गुरु क्या कर सकता है। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर यही मार्ग सिखाते हैं, धर्म को पढ़ो, दिखावा कम करो, उनके शब्दों पे चल के दिखाओ, धर्म को मानते हैं धर्म की नहीं मानते, आज वो बात ज्यादा होगी, गुरु को मानते गुरु की नहीं मानते, ये ज्यादा हुआ पड़ा है, अदरवाइज ना तो झगड़े होते, क्योंकि हमारे धर्मों ने तो कहा है आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। गुरु जी की 2 लाइनों से आपको ये लास्ट की बात सुना रहे हैं, गुरु जी ने बोला, आज इसके बाद समाप्ति करेंगे, कल परसों फिर आपको जैसे सुनाते चलेंगे रोजाना। तो गुरु जी ने क्या कहा, इस जन्म में ये 2 काम करो, ये सारे धर्मों का सार गुरु जी के भजन में है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 2 लाइनें में सब कुछ आ गया, ये है धर्मों की शिक्षा, इस जन्म में ये 2 काम करो, राम नाम जपो तो ये ज्ञान आएगा। आप अपना भला तो करोगे कम से कम बॉडी का, समाज का भी करोगे, समाज का हो गया देश का हो गया, देश का हो गया वर्ल्ड का हो गया ना वर्ल्ड कुटुंब, हो गया ना वर्ल्ड हमारा परिवार। तो राम का नाम जपने से विल पावर आता है, चेहरे पे नूर आता है, सुरूर आता है, एक नशा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और प्रेम करो बेगर्ज प्यार, निस्वार्थ भावना से, जो आपके रिश्ते हैं जितना उनके साथ गर्जी संबंध है रखो, पर उनके अलावा समाज से बेगर्ज प्यार करो, जो कि आज खत्म होता जा रहा है। आपको बताई थी बात कि एक महानगर, वो तो आप भूल ही गए, दिल्ली में हम जा रहे थे तो बड़े दुकानदार थे, उनके ऐसे पास से गुजर रहे थे, वो खड़े थे, तो हमने कहा राम राम, कहते क्या चाहिए, हमने कहा राम राम के बदले राम राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उसको ये लगा मुझे राम राम बोले मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, वो बड़बड़ा है ऐसे टाइम वेस्ट करने आ जाते फलम, आपको पता है। तो ये क्या है, क्या हो रहा है समाज में, छेड़ दो किसी को बैठे बैठे को, यूं लगता कि ततैया काट गया, प्रिंट लड़ गया पंजाबी जी कहते हैं। सो ये है क्या,
कहां गया संयम, कहां गया बिल पावर? ना, गुस्सा नाक पे अब ढड़क के होंठ पे आ गया। कहते गुस्सा नाक पे रहता है, मुहावरा है। हम कहते नहीं, नाक से तो कब का चला गया, अब तो होंठ पे ही आ गया सीधा। इतनी तो देर ही नहीं लगती, किसी को छेड़ के देख लो आप। छेड़ने का मतलब किसी को छेड़ना गलत तरीके से नहीं, बुला के देख लो बिजी आदमी को, कूद के पड़ेगा कि तू इन्हें मुझे बुलाया था, अरे मैं ये कर रहा था, भूल गया, आप कैसे जाता है? दुक 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 दुक, बस पूछो मत। तो तो वो बात शांति से भी कही जा सकती है बच्चों, आराम से भी कही जा सकती है कि भाई ये काम बेटा बहन जी ऐसे करो, अगले को शर्म भी थोड़ी आएगी, क्योंकि अगर आप कहोगे बहन जी इतना बर्बाद मत किया करो, ढंग से काम कर लिया करो, उसको लड़ने की बजाय 10 गुना शर्म आ जाएगी कि आप प्यार से चंपत मारा है। लखनऊ साइड में राजस्थान साइड में कई जगहों पे इतनी मीठी भाषा है लखनऊ की, राजस्थान का कुछ एरिया, क्योंकि हम तो बहुत बिछड़े हैं रहे हैं, तो क्या होते हैं आपस में लड़ेंगे भी ना तो बड़ा ऐसा लगता है कि वो कोई छंद गा रहे हो, ऐसा लगता है कि वो शायरी कर रहे हो। क्या कहते हैं, तमीज से बोलिएगा वरना फिर मत कहिएगा मैं झपड़ रसीद कर दूंगा, बाद में मत सोचिएगा। यूं लगता है यार कुछ मिठास ही गोल दी, और बाकी आप जानती हो बाकी समाज में क्या चलता है, कहने की जरूरत नहीं, वो भाषा हम नहीं बोलना चाहते जो चलती है, तो वो अच्छा नहीं है। और ये इसकी वजह है आपकी आत्मिक कमजोरी। आत्मबल होगा, आत्मिक शांति होगी, तभी शांत रह पाता है बंदा। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब बिल पावर में थोड़ी सी कमी होती है या मान लो किसी चीज की टेंशनें होती हैं, तब ये रूप आदमी का बन जाता है। तो आप टेंशनों को राम पे छोड़ दो, अपने सदगुरु मौला पे छोड़ दो। अगर आपको पूर्ण यकीन है कि मालिक जाने उसका काम जाने, आपा करेंगे मेहनत। बच्चे अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, जी बच्चों अच्छी बात है, भगवान आपको वाकई इस रास्ते पे चलाए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के बाद छोड़ देना राम पे, छोड़ देना सदगुरु पे, यकीन मानिए टेंशन फ्री रहोगे और आत्मबल से परिपूर्ण रहोगे। हाथ नीचे कर लो, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब दिल तो यही कर रहा कि बोलते ही जाएं, क्योंकि टॉपिक ही अभी तो छोटा सा चलाया है, पर हमें यह भी पता कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना के झेल पाओगे। आप तो बोलते हैं सच्ची बात, झूठ बोलना आता नहीं। अभी चर्चा चल रही थी कल परसों, तो बच्चों के साथ बैठे थे QM के बाद शायद, या कब अभी याद नहीं हमें, तो कहने लगे गुरुजी आप ना ऐसे करना, एक 20 सेकंड का क्लिप हो, एक 60 सेकंड का, एक पहले हमें सुनने में लगा 20 मिनट का कह रहे हैं। हमने कहा क्या कहते, 20 सेकंड का? अच्छा सेकंड का, हमने सेकंड में बहुत ज्यादा कह दिया तूने, दिल में सोचा, कहते अंदर से आया कि भाई एक सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं, तू ये कह 50 फ्रेम का, फ्रेम का मतलब 2 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी तो हैं, वो भी तो हमें पता है कितने फ्रेम होते हैं, एडिटर भी तो हैं, कोई काम दुनिया का अच्छा ऐसा नहीं है जो ना आता हो। हाँ डॉक्टरी को छोड़ दो भाई, वो इंजेक्शन इंजेक्शन लगाने नहीं आते, वो काम नहीं आते, मतलब आम जो काम होते सारे कर लेते हैं। तो हमने कहा भाई इस तरह से तो ये ज़्यादा ही हो गया कुछ, क्योंकि 2520 कर रहे तो 500 फ्रेम हो गए 20 सेकंड के, तो 500 फ्रेम बोलना है हमने तो अच्छा लगेगा ना, 500 फ्रेम, 20 सेकंड छोटा सा लगता है। तो कहने का मतलब हमें पता है आप कितना सह सकते हो, नौजवान बच्चे आजकल जल्दी, वही बिल पावर तो है नहीं, और ज्ञान लगता है बकबका, मसालेदार चीज़ सुना दो, आहा क्या कहना, फिर देखो कैसे जम के, जी आप जानते हो। और ये राम नाम जो होता है ना, ये थोड़ा बकबका समान होता है, इसमें मसाला नहीं होता। हाँ ध्यान से सुनोगे तो शुगर कोटेड कुनेन जरूर होता है, ये जन्मों जन्मों की बीमारियां तोड़ सकता है अगर ध्यान से सुन लो। तो भाई हमारा तो फिर से आपसे गुजारिश है, धर्म को मानो, धर्म को सुनो, गुरु को मानो लेकिन गुरु की मानो, धर्म को सुनो लेकिन धर्म की सुनो, और अमल करो, यकीनन जिंदगी में आप बहुत खुशियां हासिल कर पाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जी अब थोड़ी सी बातें उनसे कर लें, यहां आज नशा छोड़ने लोग आए बैठे हैं, बस थोड़ी थोड़ी एक एक बात करवा देना बच्चों, वहां जुम्मेवार जो
MSGIT विंग के जिम्मेदार हैं या जो भी जिम्मेवार पहुंचे हुए हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते विनायक ग्रीन सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश, हाईलाइट कर दीजिए और कोई बात करने वाला जी बच्चों ये उज्जैन में क्या खूबसूरत आपने जैन बना रखे हैं, रंगोली बना रखी है। साई की हो गई मधुबानी क्यों कर लोग ने MSG आप सच्चे सौदे जानी हाँ कर लोग ने MSG आप सच्चे सौदे जानी सखिया सच्चे सौदे जानी दुनिया से हुई अनजानी सखी मैं तो चुके ना चूंगी मत होगी सुवासदानी सखी आए चुके ना चूंगी जी। बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद। और आपने तो रंगोली में भी हमें ही बना रखा है और किसी ने हाथों से भी ड्राइंग कर रखी है, वाह क्या गजब कर रखा आपने। हाँ बहुत अच्छा बच्चों, जिसने भी ये कलाकारी करी है भगवान बहुत खुशियां दे और मालिक दया में रहमत से नवाजे। तो बात कर लो बेटा जी, बात कर लीजिए उज्जैन वालों, करो भाइयों की तरफ कर लो पहले। बेटा आवाज नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। हाँ कट के आवाज आई है बेटा, कट के आवाज आई है, माइक के पास मुंह करके बोलो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी, आशीर्वाद। पिताजी आपका बेटा शिष्यपाल इंसान तुम्हारा टीम से जी, आपका सेवादार पिता, आपने सेवादार बना के मध्य प्रदेश में भेजा। पिताजी हमें रहमत बख्शना कि हम नए जीव ज्यादा से ज्यादा लेकर के बुराइयां छुड़वा करके आपके चरणों में लगाए। दादाजी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मध्य प्रदेश के जिम्मेवार 45 मेंबर आपसे बात करना चाहते हैं जी। जी करवाओ जी। हेलो आज अनिल जी बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी, आशीर्वाद बेटा। पिताजी मध्य प्रदेश 45 मेंबर अनिल इंसा इंदौर ब्लॉक से बात कर रहा हूँ पिताजी। हमारे साथ मध्य प्रदेश 45 मेंबर मुकेश इंसा मजोली से, रीना बहन जी 45 मेंबर सिंधी कैंप से यहाँ सेवा की है और आपकी रहमत से पिताजी बहुत बढ़ चढ़ के सेवा नामदान के लिए जीव आए हैं और साथ संगत ने बहुत सेवा की है और बहुत रहमत बख्शी है आपने पिताजी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, ऐसी रहमत पिताजी आगे भी बरसाए रखना। और पिताजी आप यहाँ पर पहले भी दो बार आपने उज्जैन में चरण टिकाए थे और आज ये तीसरी बार आप यहाँ पर चरण टिका रहे हैं और आगे भी पिताजी आप देह रूप में यहाँ पे जरूर चरण टिकाए पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, जी बेटा, हम उज्जैन में आए थे, उज्जैन की आपको एक बात भी सुना देते हैं, हमें याद आ गई। तो उज्जैन में सत्संग किया था, थोड़ा गर्मी का मौसम था उस समय, थोड़ी गर्मी थी और पंखे दे रहे थे हाथों से, तो एक शायद कोई पंजाब साइड का सेवादार था, वो पंखा दे रहा था तो कोई खड़ा हो गया और पंखा जोर से मार रहा था, घुमा रहा था वो पंखा और पंखा उसके लगा, वो फिर बैठ गया। बैठने के बाद वो नशे छोड़ के चला गया, वो बीच में से उठ के जा रहा था तो उसने देखा ऊपर पंखा चल रहा है तो बैठ ही जाओ, इससे अच्छा है, वो नशे छोड़ गया। तो जब नशा छोड़ के वो जाने लगा तो वो पंखा जिससे लगा था उसने उसके पैर पकड़ लिए कि भाई आप, वो हिंदी बोलने वाले और वो बिल्कुल प्योर ठेठ पंजाबी बोलने वाला, वो पंजाबी वाला मैं तो ओ हो गया। वो कहता कोई नहीं कोई बात नहीं भैया, अगर हो गया तो हो गया, आप कोई बात नहीं है, नहीं नहीं यार मैंने माफ़ कर दे, मैं तो ओ हो गया। वो काफ़ी देर ऐसे ही करते रहे, इतने में हम आ गए तो हमने कहा ये ओ हो गया ना, उसको पता चले ओ क्या होता है। वो आगे से कहे भैया ठीक है, जो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है, मुझे जाने दीजिए।
ना उसको पल्ले पड़े कुछ पंजाबी वाले को ये बोल क्या रहा है। तो आपके वहां फिर हम गए, जाते जाते उनसे मिले, तो फिर वो कहने लगा गुरुजी इसने तो मेरा अच्छा ही कर दिया, मैं तो उठ के जा रहा था, इसने पंखा घुमाया मेरे, लगा मैं झट बैठ गया, वो हाथ वाले पंखे थे, कहता मैं नशे छोड़ के जा रहा हूँ आज, बड़े बड़ा सुरूर मिला आपकी बातें सुन के, नहीं तो मैं बीच में से उठ रहा था, तो मैं तो इसका धन्यवाद कर रहा हूँ, पता नहीं ये ओ करे जा रहा है। हमने कहा बेटा ये भी माफ़ी मांग रहा है, तो ये आपके उज्जैन की बात हमें याद आ गई। वो आदमी लड़का भी हमारी आंखों के सामने, उसका नाम ख्याल में नहीं आ रहा, तो जो पंखा देता था जी आशीर्वाद। तो एक बात और कर ले आप, दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा जी, आप कैसे हो पिताजी? बिल्कुल ठीक है बेटा, टन टनाटन, आप बताओ। आपने आज जनवासियों के लिए जो रेवत करी उसका आप कुछ ब्याल नहीं कर सकते, हमें हिम्मत दो बात करने के लिए पिताजी। जी बेटा। हाँ पिताजी, अगला अपना 10 तारीख का जो प्रोग्राम था, हम तो सारी हिम्मत हार चुके थे कि कई साल संगत आई नहीं, सेवादार भी नहीं, लेकिन आप जी ने रेवत करके जो सेवादार भेजे, और आज जो मालिक आपने जो हम सब पे कृपा करी उसके लिए लाख लाख बार धन्यवाद जी। जी बेटा, बहुत नशा छोड़ने वाले आए, बुराइयां छोड़ने वाले आए, हमने देखा था तब लाइव पे, तो मालिक बहुत खुशियां थे, टेंशन ना लो बेटा, मालिक हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो आप बेटियों की बात करा दो, दो बेटियों की बात करा दो, बहुत जगह बात करनी है, इसलिए टाइम लिमिट में है बेटा जी। हाँ बेटियों बोलो बेटा। दंदन सदगुरु तेरे यात्रा पिताजी, रीना इंसा यूथ विरांगना 45 नंबर। हाँ बेटा जी। अब्दुल्लागंज से पिताजी जी, यहाँ उज्जैन की बहनें आपसे बात करना चाहती हैं, छोटी सी बात पिताजी मैं भी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा। कि सभी 45 नंबर हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं, और सभी सेवादारों पर ऐसी रहमत करो कि बुद्धि डेरे की साल संभाल और सात संगत की सेवा संभाल करने की आप हमें शक्ति प्रदान करो पिताजी। जी बेटा, मालिक आपको हिम्मत दे, पूरे समाज में से बुराइयां और नशा छुड़वाएं आप लोग मिलके, मालिक से दुआ करते हैं। हाँ बेटियां यहाँ वाली उज्जैन से। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी आज तुसी उज्जैन ही चायो, सानु बहुत अच्छा लगा पिताजी, आप अपनी दया में ऐसे साडे उत्ते बनाए रखना पिताजी, जी जो साडे कोलो भुलना बख्शा ना पिताजी। जी बेटा, जी बेटा। बस जब हमारी बेटियां सेवा में आगे आ जाती हैं बेटा, तो पूरा समाज ही जाग जाता है, जब बेटे बेटियां आगे आते हैं तो यकीन हमें लगता है कि जरूर इस देश में से नशा दूर होगा। राम जी से प्रार्थना करेंगे बेटा, आपको आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। धन धन सदगुरु पिताजी, मैं आपकी बेटी आरती इंसा इंदौर ब्लॉक से बात कर रही हूँ। पिताजी मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि जिन्होंने नाम ले रखा है और जो अब नाम ले रहा है, वह आपके तीनों वचनों पे 100% पक्का हो जाए और वो सिमरन ज्यादा से ज्यादा करने लग जाए और उसको आपसे बहुत इश्क हो जाए। पिताजी प्लीज ये विनती कबूल कर लीजिए और आप इंदौर ब्लॉक की सात संगत का की हाजिरी लगाइए, और ये चाहती हूँ कि पिताजी हम सब के ऊपर आपका हाथ हमेशा बना रहे। जी बेटा, उस ओम हरि राम से प्रार्थना करेंगे बेटा कि आपकी ये मांगे मालिक पूरी करे और उस मालिक से इश्क हो जाए, राम से जिससे हमें भी इश्क है, सो उस राम से, शास्त्र नाम श्यामस्तान दादा रहबर से। तो बातें हो गई बेटा, ये रंगोली बनाई किसने है, क्या वो बेटी या बेटा है यहाँ? प्रसाद तो बन गया, बन गया बेटा। अच्छा, इधर हलवा का आवाज आई है, प्रसाद बन गया बेटा। पिताजी आपसे भी एक बहन आई है, उससे बात कर लीजिए पिताजी। नहीं बेटा, जिसने ये रंगोली बनाई है वो कौन, किसने बनाई है? ये जो हमारे वाली तस्वीर बनाई है, कलाकार है बच्चा जो भी है, इसलिए हमें लगा कि उसके बात कर लें, जिसने भी बनाई है। दन दन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। हाँ जी। दन दन सतगुरु तेरा। आपने बनाई बेटा? जी जी, जी पिताजी। अरे कमाल कर दिया बच्चे, कमाल कर दिया बेटा। तो सुन बेटा, ऐसी 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 कोई रंगोली जैसे आप बनाई है तो कोई नशे के खिलाफ भी बना दे, अच्छा लगेगा। जब वो लोगों को दिखाएंगे कि भी उसमें आपने कुछ क्रिएटिविटी करोगे, आगे आपके जब भी सत्संग मिले आसपास तो कोशिश करना वो भी बनाना। ये तो आपने खूबसूरत बनाई है, आपके प्यार की निशानी है, हम दिल से स्वीकार करते हैं आपने करी, और मालिक से दुआ करते हैं मालिक आपको बहुत खुशियां दे। लेकिन ऐसा भी कुछ क्रिएट करना तो अच्छा लगेगा, और भी कि फूलों से एक ऐसा मैसेज जाए तो मजा आ जाए। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद,
आप सबको प्रसाद देना बच्चे को अलग से भाई, और लंगर भोजन प्रसाद जो आपने रखा है बेटा प्रसाद बन गया, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। अगला जो है जी ये है सोनपुर उड़ीसा, सोनपुर उड़ीसा से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जी बहुत अच्छा बेटा, बड़ा सुंदर लिख रखा है, नारियल के पेड़ ऊंचे ऊंचे आपकी याद हमें अपनी ओर खींचे। मेरे प्यारे सतगुरु जी आजा सोनपुर में, रहमतों का समुंदर लुटा जा, चाहे कुछ भी करे जतन वापस तो मैं ले जाएंगे। तो हम तो सारे जतन लगा रहे हैं भाई कि राम जी इसे आपको मिलाएं और आपकी बुराइयां छोड़वाएं। जी बच्चो कर लो बात बेटा, बहुत आशीर्वाद तो कराइए, पहले भाइयों की तरफ बात। नंदन सतगुरु तरह असरा जी, मैं बंटू इंसान सोनपुर से बोल रहा हूँ, आपका बेटा पिताजी। हाँ बेटा। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। बोल रहा हूँ पिताजी, हिम्मत दीजिए बात करने का पिताजी, आपको देख रहे हिम्मत नहीं हो रहा है पिताजी बात करने का, एक हिम्मत दीजिए पिताजी बात करने का। पूरी हिम्मत, आशीर्वाद मालिक करेंगे रहमत, बोलो आप। सब संगत को आशीर्वाद दीजिए पिताजी, सब आपका चरण में आए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, जो जो सोच के आए हैं सबका पूरा हो, उसका मन में जो सोच के आए सब पूरा हो पिताजी। जी बेटा राम जी से प्रार्थना करेंगे कि अच्छी चीज हर पूरी हो जो आप सोच के आए। 2015 में पिताजी आप भुवनेश्वर आए थे एमएजी प्रोड करने, हम लोग परिवार सब गए थे पिताजी आपको दर्शन करने, और वहां जब आए हमारे घर में चोरी हो गया पिताजी, टूटा सूरा चोरी हो गया था, और बहुत खराब मिला पिताजी। जब शिवरन चालू किया 2019 में सूरा का दुकान लुटा दिया पिताजी, और सोना का दुकान लौटा दिया पिताजी, और क्या चाहिए मेरे वो पिताजी, आपका आशीर्वाद से राइस मिल बना पहले, उसके बाद सोना दुकान बना पिताजी 2019 में, और 2021 में कटम मिल भी बन गया पिताजी, जो कटम में प्रोग्राम चल रहा है ये चंद्रिका एंटरप्राइजेस से नाम है पिताजी, आप बहुत पिताजी आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला है मेरे को पिताजी, सबको दीजिए पिताजी, जो सब आए हैं सबको चाहिए, सबको दीजिए। जी बेटा जी बेटा, आशीर्वाद मालिक ने आपकी सुन ली और मालिक ने रहमत करी, थोड़ी सी चीज गई और बहुत कुछ आ गया, तो ये उस रहमत उस राम की, राम ने कृपा कर दी बेटा, बहुत आशीर्वाद। और अब बहनों की तरफ बेटियों की भी बात करा दो बेटा, हमारी बेटियों की भी बात करा दो, एक एक बात दोनों तरफ से हो जाए। हाँ बेटियों, गुरु तेरा ही आसरा। हाँ बच्चों, मैं आपकी बेटी दीपा इंसान सोनपुर से बोल रही हूँ पिताजी। हाँ बेटा जी, पिताजी आप परमानेंट ले आ जाइए पिताजी, जब राम जी चाहेंगे बेटा तब कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना हम रहे ना हमारी आरजू रहे, जब तक जिगर में जान रगो में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। बहुत अच्छा बिटिया, बहुत सुंदर सुनाए बेटा जी, मालिक बहुत खुशी थे, बहुत आशीर्वाद। और अब जो आपने डेकोरेशन कर रखी है, प्रसाद क्या ये रख रखा है, सो प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना। लड्डू बनाए हैं पिताजी। क्या है बेटा ये लड्डू है? लड्डू, बूंदी के लड्डू पिताजी, 25 किलो की। 25 किलो की। हाँ पिताजी। बेटा अगर ये लड्डू है तो इधर वाले फिर लड्डुओं को क्या कहेंगे, तो हम ये इसका नाम अलग है, लड्डू सिंह है, बड़ा है तो हाँ कमाल का है, 25 किलो का लड्डू, मतलब सारा परिवार क्या कई परिवार बैठ के खाते रहे तो ठीक ठाक, काफी लंबा चौड़ा काम। मेरा मन नाच रहा है, झूम रहा है, नाचने को मन कर रहा है पिताजी। आपके नजर आ गए सोनपुर पे, हमारे पथिक राशि में आपके नजर हो गए पिताजी, ऐसा लग रहा है आप यहाँ आ गए।
हमारे सामने आप खड़े लग रहे हैं पिताजी, नाचने को मन कर रहा है मेरा पिताजी, झूमने को मन कर रहा है। आइए पिताजी, आप जब भी पूरी आइए पिताजी, सोनपुर के तरफ नजर करना पिताजी। हाँ बेटा, आप जरूर पधारिएगा पिताजी। जरूर बेटा, आपने कहा आ गए तो आ गए, ये सच है। नजर नजर का फर्क है, नजर टिका के देखो, आपके सामने खड़े हैं, आंख झपका के देखो। सो बेटा, वो राम जी खड़े हैं, वो हमारा रूप भी धारण कर सकते हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, वो वहां भी आ सकते हैं, उनको कौन रोके। तो आपको फील हुआ तो इसका मतलब जरूर वहां है। तो आशीर्वाद प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा। सो अगले हैं जी, सिंगल मैरिज गार्डन, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। हाँ जी, मुरैना वालों, आवाज नहीं आ रही, एमएससी आई टी वालों को। हाँ बेटा जी, जी बेटा, हमारी बेटियों के हाथों में आरती की थालियां हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हो बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो सारे के सारे। और उधर बेटे भी अपने अपने तरीके से सज धज के आए हैं, और शास्त्र में गिनने से पहले फिर फोर्स विंग की ड्रेस पहनी हुई है, जो समाज में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कुछ भी आती है, उसमें जी जान से लग जाते हैं सेवा करने में। तो वो बच्चे भी खड़े हैं, आप सबको बहुत आशीर्वाद। तो पहले भाइयों की तरफ से एक बात कर लो बेटा। आवाज गुरु तेरे आशरा आशरा बेटा जी, आप जी का बेटा अरविंद इंसा, मध्य प्रदेश 45 मेंबर जी। पिताजी, आप जी से अरदास करते हैं मध्य प्रदेश की सात संगत को सेवा सिमरन और परमात्म का बल बख्शना पिताजी। पिताजी, मध्य प्रदेश में जो एक गरीबी का कलंक है, उस गरीबी के कलंक को पिताजी बिल्कुल दूर कर देना पिताजी। धन धन सदगुरु तेरे आशरा पिताजी। यहाँ कैलारस ब्लॉक के जो सात संगत है वो बात करना चाह रहे पिताजी, जिम्मेवार चंदन सदगुरु तेरा ही आशरा। करा दीजिए बेटा। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आशरा आशुआ बेटा। पिताजी सती सिंगल 15 मेंबर जिम्मेदार बोल रहा हूँ। पिताजी अरदास कर रहा हूँ कि हमारी कैलारस ब्लॉक में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वेलफेयर के जिम्मेदार है, लेकिन हमारे जिम्मेदार 2017 से कम आ रहे हैं, तो उनको ऐसा आशीर्वाद दे पिताजी, तो वो आपके चरणों में लगे रहे। तीन चार लोगों को जोड़ के मैं सोच रहा था, मालिक अरदास करके हाजू टपक रहे थे कि कैसे कार्यक्रम सफल होगा, कैसे संगत आएगी, लेकिन पिताजी आपने इतनी हिम्मत दी, इतनी दी और इतनी संगत आई है, मैं पिताजी आपका अलग अलग गुजार भगवान भी माला माल करेंगे। आशीर्वाद, सेवादार सेवा किया करो, और जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, अब चल पड़ो, जब जागो तभी सवेरा। समाज को सुधारने के लिए जब भी आप चल पड़े वही दिन समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। तो आप जरूर हिम्मत कीजिए सारे, मालिक बहुत खुशियां दे बेटा। तो बेटियों की बात करा दीजिए, क्योंकि काफी जगहों पे प्रोग्राम है, तो इसलिए बस आपने दो कर ली, चलो नहीं तो एक की बात है। हाँ बेटा, हमारी बेटियां बोलो बेटियां। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी, आपकी बेटी सरला इंसा ग्वालियर मध्य प्रदेश से। हाँ बेटा। पिताजी कैसे हो? बिल्कुल ठीक है बिटिया, आप बताएं। पिताजी, हमारे ग्वालियर ब्लॉक और कैलारस ब्लॉक की सारी संगत का नारा मंजूर करना। धन धन सतगुरु आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। पिताजी, पिताजी जी,
हमें आपसे एक बात की माफी लेनी है पिताजी, आपने हमें इतना प्यार दिया, आपके दर्शन होते थे, जो भी बात होती थी, लेकिन पिताजी 2012 में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी दांत को संभाल नहीं पाए पिताजी, हमने अबॉर्शन कराया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो मेरे मालिक, जब से मैं बहुत परेशान हूँ पिताजी, रहमत करो मेरे दाता, जीवन भर गलती नहीं करेंगे पिताजी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे माफ सुनो, सुनो बेटा, ये भी एक बहुत बड़ा एहसास है बेटा कि आपसे अबॉर्शन हो गया या किसी मजबूरी में या जैसे भी आपने वो गलती कर ली, लेकिन आपको इतना बड़ा एहसास है, ये भी अपने आप में इंसानियत है, वरना यहाँ तो पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो बेटा भगवान आपको क्षमा करे, बाप तो बड़ा कर बैठे, लेकिन सुमरण करना राम जी माफ करेंगे, क्योंकि आने वाले जीव को अगर आ रहा है तो हमें ऐसे नहीं करना, ये तो हमने हमारी शिक्षा है। तो कोई बात नहीं, आप नारा लगाएं आगे से और जीवों का भला करना, और ऐसा करने वालों को रोकना, तो भगवान आपको और हिम्मत देगा, खुशी देगा बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद सारी सास संगत को, आशीर्वाद जितनी बेटियां हमारी खड़ी हैं, कोई एक चलो, हाँ बोल बेटा। सदगुरु तेरा ही आपका। हाँ बेटा, बोल रही है। हाँ बेटा जी, कैलरस ब्लॉक से मालती बेटी बोल रही है आपकी। हाँ बोल बेटा मालती। हाँ पिताजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम पर। जी बेटा, बोल रहे की हिम्मत दो हमें। हाँ पुत्र बोलो। आप कैसे हो पिताजी? बिल्कुल ठीक है बेटा, आप बताइए सारे कैसे हो, ठीक है बेटियां हमारी? सब बच्चों पे, हमारे पे आशीर्वाद बना रखना, बच्चों आजकल मानते नहीं है। जी आशीर्वाद बेटा, मालिक से दुआ करेंगे बेटा, मालिक रहमत करेंगे, आशीर्वाद सबको, प्रसाद ले लेना बेटा, प्रसाद भी, और बच्चों ने आरती की थालियां, और ये बहुत सुंदर सारों ने प्रसाद रख रखा है, ले लीजिएगा सारे। हाँ आप लोग प्रसाद ले लें, अलग अलग तरह का प्रसाद जचा रखा है आप लोगों ने, तो ले लेना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आगे है उमा नारायण पैलेस समस्तीपुर बिहार। जी हाँ बेटा कैसे हो, बिहार वालों सारे ठीक ठाक हो बेटा? हाँ बेटा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। हाँ जी पिता, बोलो। 3-4 हजार लोग नशा छोड़ने के लिए आए थे, और भी सत्संगत आई थी पिताजी, 4-5 हजार लड्डू बनाए थे पिताजी, लड्डू उस दिन भी बांट दिए, और ये लड्डू आपके सामने रखे पिताजी, वैसे के वैसे पिताजी खत्म ही नहीं हुई है, आपकी जी का कमाल है बेटा, राम जी की कृपा है, वो बरकत डालने वाले है पिताजी, आके जुम्मेवार बात करेंगे। और पिताजी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय पिताजी, उसके वो दिखा रखे थोड़ा डॉक्यूमेंट्री है थोड़ी पिताजी। अच्छा, कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आया करते थे और पूरी दुनिया आया करती थी, तो उसका आप थोड़ा सा झलक दिखाना चाहते हैं जी। अच्छे लग रहे हो बच्चों। अच्छा ये सारी फोटोएं हैं वहां की जो दे रखी हैं पुरातन। नंदन सतगुरु तेरे आसरा जी। पिताजी आप जी का बेटा 45 नंबर उपेंद्र साहब पटना से समस्तीपुर ब्लॉक से बोल रहा हूँ पिताजी। हाँ बेटा जी। पिताजी वो हम बोलने की हिम्मत देना पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे जो भी बाहर से बौद्धिस्ट आते हैं पिताजी, वो स्टूडेंट्स,
बहुत ही तड़प है उनके अंदर पढ़ने का, इसलिए एक छोटा सा रूप में मैंने बॉडीस्ट स्टूडेंट भी बनवाया। इन्होंने बहुत अंदर से तड़प होती है कि वैसे ही पहले जो विश्वविद्यालय थी इतने पुराने थे, इतने सांस्कृतिक थे, वो गुरुए थे जो दिव्य शक्ति से ही लोगों को मतलब की शिक्षा देते थे, वो चीजें पिताजी आप जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता पिताजी। तो पिताजी आप रहमत बरसाएं पिताजी इस चीज के ऊपर, थोड़ा सा व्याख्या करके लोगों को बताएं पिताजी, ताकि ये दोबारा पहले जैसे आ जाए पिताजी। बिल्कुल बेटा, हमने इसी पे चर्चा करी थी, आज भी बात करी थी कि हमारे पवित्र वेदों में कैसी कैसी शिक्षा से कैसी शिक्षा दी जाती थी, उसकी चर्चा हमने करी। पिताजी बिहार के समस्त साध संगत की तरफ और जिम्मेवार भाई बहन की तरफ से नारा कबूल करना पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, और बड़े अच्छे लग रहे हो, आपकी पगड़ियां गुलाबी रंग की, और हालांकि साध संगत चली गई है जो गुरु आई थी नशे छोड़ने, पर आप सेवादार खड़े हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद भी लेना, और बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों, आपकी पगड़ियां गजब अलग तरह की हैं, और बेटियों ने अपना अलग से साड़ियां हैं, और वो जो हाथों में दिए थालियां हैं आरती वाली, तो बहुत अच्छी लग रही हो बेटियां हमारी सारी की सारी, आशीर्वाद। आप जी ने बिहार में चरण टिका है, वैसे ही बिहार में बाहर आ गया पिताजी। आप जी ने 2015 में अमेजी वन मूवी बनाए थे पिताजी, उसमें एक सॉन्ग आया था, दारू को गोली मारो साले को जला डालो, रियलिटी पिताजी दिल को छू जाती है बातें। सबसे पहला गोली, सबसे पहला फायरिंग जो आप हुई वो सीधा बिहार में लगी, और 2016 अप्रैल में पूरे बिहार में दारू बंद हो गई है पिताजी, ये अपार है आपकी पिताजी। तो इसी तरह पिताजी यहाँ की साथ संगत सारे जिम्मेवार भाई बहन पर प्यार लुटाते रहने पिताजी, जिससे कि सभी का सेवा सिमरन और बख्शने के लिए दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की करे पिताजी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद सबको। अब बेटियां बात कर लो, एक बेटियों की बात करा दो, शाबाश। हाँ बोलो बच्चों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ बेटा। रौरा कैसन बानी? बिल्कुल ठीक बा। रौरा बहुत अच्छा लगा था ने। हाँ जी बिल्कुल बेटा। पिताजी हमारे बिहार में बहुत भ्रष्टाचार बा, हम चाहते नहीं कि रौरा हमने के बिहार पर नजर डाली, और कभी एक बार रौरा हमने के बिहार में जरूर आई। एक बार ही बस ना पिताजी? पहले पिताजी एक बार ना, बार बार आई, हजार बार आई। हाँ ये बात सही बा। सो आशीर्वाद बेटा, जरूर भगवान ने चाहा, जब चाहा तब। संतों का काम समाज को बदलना होता है बेटा, हम दुआ कर सकते हैं, हमारा काम समाज से बुराइयां निकालना है तो जरूर बेटा मालिक से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आप लोगों की सुने। जी कहे के तसबे के हुआ आपन, आपन कहावे वाला के बा, सुखे वा तसबे के हु बाटल, दुखवा बाटे वाला रौरा बानियो पिताजी, दुखवा बाटे वाला रौरा बानी। जी बेटा बहुत अच्छा पुत्र, बहुत आशीर्वाद आप सबको, भगवान खुशियां दे बेटा। प्रसाद जो रखा है आपने वो ले लेना। हाँ लड्डू वो बता रहे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बांट भी दिए और फिर भी ज्यों के त्यों। बिहार में एक बार ऐसा हुआ था कि सामान भेजा था, जब बाढ़ आई हुई थी यहाँ से चार, शायद दरभंगा साइड था वो, चार कैंटर भर के लेके गए थे और 30 बांट दिए थे, वो ज्यों के त्यों पड़े थे। तो सेवादारों को ये कहा था कि जब तक ये खत्म नहीं होता आना नहीं, एक महीना हो गया लगे हुए, और राम जी ने ऐसी कृपा करी और ये कहने लगे। फिर इनका फोन किसी सेवादार के पास आया, सेवादार ने हमें बोला कि गुरुजी वो घर आने के लिए तरस रहे। हमने कहा आ जाते क्यों नहीं आए, कहते आपने उनको कहा जब तक पूरा नहीं बांटते तब तक मत आना, और वो चार कैंटर के 20-30 कैंटर शायद बांट चुके हैं, 30 कैंटर वो बांट, क्योंकि ये सेवादार यही है जो साथ गए थे। तो कहने लगे जी 30 बांट दिए हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हम तब तक आना नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। तो हमने कहा कोई नहीं, भगवान का नारा लगा के आप आज बांट दो। वो बांटा, एक कैंटर निकला और खत्म हो गया, अगले दिन आ गए। तो फिर आगे बताने लगे ओहो गुरु जी एक महीना हो गया, सोचा था चार कैंटर हैं चार दिन में बांट देंगे। मैंने कहा ये राम जी की कृपा है। सो बेटा ये चीजें होती हैं उनके साथ जिनको दृढ़ यकीन है राम के पास, उसके पास जिनका दृढ़ यकीन है, उसके साथ जिनका दृढ़ यकीन है, रहमो करम वो करने वाले राम। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। हम तो बेटा एक चौकीदार सेवादार हैं जो सबकी सेवा में लगे रहते हैं दिन रात, दुआएं करते रहते हैं, बस वो करने वाला मंजूर वही है जी। तो आगे है जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंपारण बिहार, चंपारण वालों
बिहार वालों, हाँ जी सतगुरु तेरा यासरा। हाँ बेटा। धन धन सतगुरु तेरा यासरा पिताजी। हाँ जी पिताजी, जब जिस टाइम आप नाम देने आए पिताजी, यहाँ नेटवर्क चला गया था पिताजी, माफी देना पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, पिताजी यहाँ के जिम्मेवारों से बात करो पिताजी। हाँ कराओ, यहाँ के जिम्मेवार बात करो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा यासरा पिताजी। आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी से बोला दार को रहमत मगर सा। हाँ बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी ताकत देना बोलने का। हाँ बेटा। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोलो बेटा, माइक को छोड़ दो, हाँ वायर हिल रही है उसकी। हाँ बेटा पिताजी, यहाँ पे ढाई हजार एकड़ में नस्ल छोड़ने वाले आए हुए हैं पिताजी। एक एकड़ का मंडाल था पिताजी, छोटा पड़ गया, डर लगने लगा था, यहाँ के बहुत कम सेवादार थे पिताजी। आपने ऐसी रहमत बख्शी, इतना कृपा किया पिताजी कि इतने नाम इतने लोग आए कि जगह ढाई हजार करीब में पिताजी कम पड़ गया। शुरू में थोड़ा सा यहाँ का कनेक्शन कट हो गया था पिताजी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम लोग। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, कनेक्शन तो उड़ते ही रहते, कोई फर्क नहीं, अपना कनेक्शन जुड़ गया था, जो जहाँ जुड़ना चाहिए तब जुड़ गया था। बाकी आप कह रहे हैं जगह कम पड़ गई कि हम डर गए थे, लोग इतने ज़्यादा आ गए, नशा छोड़ने वाले, बुराइयां छोड़ने वाले, ऐसे जगह कम पड़ती रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। क्योंकि आप जितनी करें, लोग ज़्यादा नशा छोड़ने आए और भगवान आपको खुशियों से महकाए। जितने भी जुम्मेवार हो, आपने जितनी मेहनत की है, यही तो लोग पूछते हैं, इनको क्या मिलता है? इनको राम का वो आशीर्वाद मिलता है, वो खुशियाँ मिलती हैं जब वो किसी का नशा छुड़ाते हैं, किसी के घर को नरक से स्वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक अलग तरह की असीम शांति खुशी जो आप लोगों को मिलेगी, वो भगवान और ज़्यादा दे, मालिक से प्रार्थना है बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो हमारी कोई बेटी बात करना चाहे तो बिटिया की बात करा दो। हाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े सजे हुए हैं, नन्हे नन्हे फूल हमारे। अंधन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा पिताजी, तो लाइनें बोलनी थी। बोल दे बोल दे बोल दे। अंधन सतगुरु तेरा। हाँ जी अंधन सतगुरु तेरा आसरा। हाँ जी बिहार की धरती करे पुकार, डायरेक्ट लाइन आओ दातार। गौतम बुद्ध महावीर की धरती, नालंदा का विद्या दरबार, गंगा जिसे पावन करती है, गुरु गोविंद ने लिया। जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल। फिर अटक गया मामला है जी। अच्छा जी बच्चों, आप कोशिश कर, फोन भी बताओ उनको, वो कोशिश कर लें। तो एक बिटिया की बात रह रही है, उनको कहना कर लेंगे। अब है जी जैसवाल धर्मशाला रूपनदेही नेपाल, नेपाल से। जी बेटा। हाँ आप सबको भी शुभकामना, आशीर्वाद।
दन सदगुरु तेरे आसरा। हाँ बेटा। पिताजी पाना टीम से राजेंद्र बोल रहा हूँ जी, और नेपाल से। पिताजी आपकी रहमत से बहुत हाल फुल हो गया, पर पिताजी यहाँ पे चुनाव होने की वजह से, इलेक्शन में की वजह से यहाँ पे परमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। 4:30 बजे मिल पाई, पर ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया, पर पिताजी आपकी रहमत इतनी रही कि हाल फुल हो गया जी बेटा। और पिताजी अभी यहाँ के मेयर साहब आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं जी। करवाइए करवाइए। नंदन सदगुरु तेरा यासरा। हाँ आशीर्वाद बेटा। आशीर्वाद लेने आए हैं यहाँ हमारा रूपंदेही जिला के सिद्धार्थ नगर पालिका जयसवाल धर्मशाला में। हम रोहिणी गांव पालिका के मेयर है गुरु जी, जी अभी हमको 5-6 महीना नंबर जीतने हुआ है। हमेशा नंबर जनता का बीच में हमेशा नंबर सेवा के रूप में लगे हैं। आपसे आशीर्वाद नंबर कि हमारा कार्यकाल अच्छा से चले, आपका आशीर्वाद नंबर लेने आए हैं। हमारे साथ में एक केंद्रीय नेता है नंबर सांसद महेंद्र यादव जी, हमारे साथ में आए हैं गुरु जी। और ये भी नंबर भैरवा से नंबर जो भैरवा है, भैरवा से नंबर चुनाव लड़े हैं, इनका भी नंबर सहयोग नंबर इस धन सतगुरु का आस्था पहले से भी इनका आस्था है, मेरा भी नंबर आस्था आपके प्रति है गुरु जी। आपका नंबर आशीर्वाद चाहिए इसलिए आए हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, जी बेटा, बहुत बहुत आप सबका पहले पधारने का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपको खुशियां दे बेटा, और आप जुम्मेवारी से आपका जो ओहदा है उसको निभाएं, आगे बढ़ें बेटा, और मालिक आपको ताकत दे। हाँ, और कोई भाई बात करना चाह रहे हैं शायद, माइक है, कैमरा मैन उधर ही रखें बेटा। यादव जी हैं भी बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए यादव साहब। प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। मैं यहाँ भैरहवा क्षेत्र से विधायक में जी चुनाव लड़ा हूँ, और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और आपके बारे में बहुत जानकारी मिलता रहता है, आप जो है जो लागू पदार्थ सेवन करते हैं उन लोग को, तो उन लोग का लाइफ डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से जो है आप कितनों को जो है नया जीवन दिए हैं, और गरीबों के लिए कितना करते हैं, जितना भी कहें शायद उतना ही कम पड़ेगा। और मान लीजिए पहले से हमारे यहाँ के रोहित भाई जो है वो संजोग से हम वहाँ आ नहीं पाए, आपका आशीर्वाद नहीं रहा, हमको बुलाए नहीं है। नहीं तो पहले जो है हमारे यहाँ के माननीय ओम प्रकाश यादव वगैरह से पहले ही मेरा जो है मतलब जाने का प्लान था, लेकिन अब आपका आशीर्वाद नहीं रहा इसलिए नहीं आ पाए। तो अब एक चाहना है कि आप आशीर्वाद दीजिए, चुनाव जीते, और चुनाव जीत के गरीब जनता का जो शोषित पीड़ित जनता है उसका सेवा करें। अब बहुत संघर्ष किए हैं, बाकी तो आप खुद अंतर्यामी है जो है। प्रणाम गुरु जी। जी बेटा बहुत प्रणाम यादव साहब। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अगर अच्छे कर्म करें तो भगवान आपका साथ जरूर दें। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों का पधारने का, और भगवान आपको शक्ति दे। हम तब भी आए थे जब यहाँ भूकंप आया था, तो उस समय यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी दिन रहे थे, आसपास के आपके इलाकों में काफ़ी सेवा यहाँ करी थी, काफ़ी दिन रहे थे। और जब हम जाने लगे तो लोगों ने बोला था कि गुरुजी गुरुमंत्र देने का, तो 4200 to 5200 आदमी एट द स्पॉट नशा छोड़ने वाले आ गए थे। तो ये बड़ी खुशी है आज आप लोग पधारे हैं, और आपका घर है, कभी भी आइएगा, स्वागत आप सबका। सो बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, भगवान आपको तरक्की दे। आशीर्वाद। यहाँ के जुम्मेवार बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप ठीक हो जी? पिताजी बिल्कुल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हम नेपाल से ब्लॉक भंगी दास रोहित इंसा जी बोल रहे हैं जी। जी बेटा। पिताजी आपका पावन दृष्टि से ऐसे नेपाल में हमारे सात संगत का प्यार मोहब्बत बना रहे जी। और पिताजी आपसे गुजारिश है कि पिताजी नेपाल में डेरा जल्द से जल्द बन जा पिताजी, ताकि आप सबका हम लोग एकदम दर्शन मिलता ऐसे रहे जी पिताजी। जी बेटा जरूर। सतगुरु पूरा आशीर्वाद बेटा। जुम्मेवारों से आप बात कर लेना, हमारी तरफ से जब मर्जी बना लो, बस संभालने वाले बनो। एक नशा छुड़ाऊ केंद्र हो जाएगा वहाँ, लोग आके बैठेंगे तो नशा छोड़ेंगे, तो जरूर बनाइए, आपको आशीर्वाद। तो बहनों की तरफ, अब बेटियों की तरफ कोई बात करना चाहता हो, हमारी कोई बेटी बात करना चाहती हो नेपाल से? हाँ बेटिया, कोई बात करने वाला? तेरा ही आसरा पिताजी। आशीर्वाद बेटा।
हेलो पिताजी। हाँ बेटा जी। हाँ धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। आशीर्वाद। हाँ पिताजी मैं संतोष इंसान नेपाल से बोल रही हूँ। हाँ बेटा। पिताजी बोलने की हिम्मत दे हो। हाँ बेटा बोलो बेटा जी। पिताजी सारी संगत पे। हाँ जी। ना रखा पिताजी। हाँ माइक माइक के पास बोलो बेटा। पिताजी। हाँ जी। हाँ पिताजी आप नेपाल आना जरूर। जरूर। हाँ पिताजी ज्यादा से ज्यादा संगत बढ़ती जाए। बस आप हिम्मत करना बेटा, हम भी चाहते कि नशा सारे छोड़ते जाएं। हाँ पिताजी। हाँ धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। आशीर्वाद। तो सब लोग प्रसाद ले लेना बच्चों, और मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लेना सब। हाँ प्रसाद बन गया जो भी आपने रख रखा है जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। अब है जी जमुना लॉन गढ़चिरौली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लास्ट में महाराष्ट्र। Ule mare gule chila ula ula, ule mare gule chila ula ula, ule mare gule chila ula ula. Aadi guru sadhya var hane mile. Chare hame dilane dard ka barabar ga, khushiyan manaye naachenge gaaye, aaya guru ham sab ga. खुशियां मनाए नाचेंगे गाए आया गुरु हम सब का। फूल मारे गिर चिरा हुला हुला, फूल मारे गिर चिरा हुला हुला, आदि गुरु सदियों बाद हमें मिले। फूल मारे गिर चिरा हुला हुला, फूल मारे गिर चिरा हुला हुला। जी बच्चों बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। और क्या बेटियों ने पगड़ियां बांध रखी हैं और गजब कर रखा है। हमारी बेटियों ने भी बहुत सुंदर ड्रेस है और ऊपर पगड़ियां गजब हैं, कमाल कर रखा है, बहुत ही सुंदर। जी बेटा तो कोई बात कर लो बेटा, एक चाहे भाइयों की तरफ से शुरू कर लो चाहे बहनों की तरफ से। हाँ बेटा बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा जी। पिताजी नशा छोड़ने वालों के महाराष्ट्र के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिताजी आपने। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी सात संगत दिखाएं पिताजी को। हाँ, थोड़ा सेवादार पिताजी को संगत दिखानी है। जरूर दिखाओ बेटा एक बार दिखाओ। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। पिताजी सब ये आपकी रहमत से है। तीन बार पंडाल बढ़ाया पिताजी, और साथ में जो शेड है पिताजी वो भी पूरा फुल है पिताजी। ये सारे नए नशा छोड़ने वाले आए पिताजी आपकी की रहमत से। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और इसमें पिताजी ब्लॉक गढ़चिरौली धनोरा किसान नगर नागपुर के पूरे सेवादार पूरे जिम्मेवार पिताजी आपजी की रहमत से पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं। ये सब आपकी रहमत से हुआ पिताजी। शाबाश बेटा शाबाश। आप सबके घरों में भगवान जी बहुत खुशियां दे, शरीर में तंदुरुस्ती दे। तेरा ही आसरा पिताजी। नंदू कुमरे इंसा जी हैं यहाँ के जिम्मेवार। और पिताजी एक बात और कि ये इसमें जो गांव से ना जिम्मेवार भी आए हैं पिताजी अपने गांव की नए जीवों को लेके, सरपंच पुलिस पाटिल इस तरह से अपने संगत बहुत ज्यादा लेके आए हैं जी नशा छुड़ाने के लिए, लगभग 26 गाँव के पिताजी। उन सबका बहुत बहुत स्वागत बेटा। उन सबको भगवान बहुत खुशियां दे। जितने भी सरपंच या जितने भी जिम्मेवार लोग आए हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनसे भी यही कहते हैं कि आप लोग अपने गांव में से ये जो दानव एक जाग उठा है नशे का इसको भगाएं, भगवान आपके घरों में बरकते और खुशियां दें, दया में रहमत और कृपा दृष्टि से माला माल करें। पिताजी ये नंदू इंसान हैं जी, बात करेंगे। नंदू जी से बात करा दीजिए। पिताजी दंदन सतगुरु तिरे यात्रा। हाँ जी पिता, हमारे ये गढ़चिरौली ब्लॉक के धानोरा ब्लॉक के दोनों तीनों ब्लॉक के जो सेवादार है बहुत काम किए बहुत मेहनत किए, इनके लिए सबके लिए आपके लिए एक नारा बोलता हूँ, इनका नारा कबूल करेगी इनके सबके तरफ से। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी यहाँ पे हमको लग रहा था जब काम करना चालू किए तो हमको लग नहीं रहा था कि इतनी सारी संगत आएंगे। पिताजी मराठी में बात करूँ आपसे? बेटा कर दे फिर,
जितनी समझ आएगी ठीक है, कर ले बेटा मराठी में कर ले। जी अपन कसे आहात? जी बिल्कुल ठीक अपन ठीक। पिताजी इतनी सात संगत बहुत खुश आहे, आम्हाला वाटत नव्हता एवढा माप तयार होईल असा, आम्ही कालपर्यंत आम्हाला वाटत नव्हतं, पण आज जेव्हा पाहलो तीन वेळा आम्हाला संगत वाढवा लागला मागे आणि आपली कृपा झाली, तर या सगळ्या सेवादारांवर आपली अनिष्ट कृपा राहू द्या अशी आपल्या चरणी प्रार्थना करतो पिताजी। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आप लोगों की मेहनत है तभी तो इतना ज्यादा संगत आई। पिताजी आम्हाला गडचिरोली मध्ये एक नामचा घर आणि विदर्भामध्ये एक डेरा द्या पिताजी, अशी माझी प्रार्थना आहे पिताजी आपल्या चरणी। ठीक है, आप जुम्मेवार को मिल लेना बेटा, बनाने का है तो बनाने का। आमचा गडचिरोली जिल्हा बहुत मागासलेला आहे आणि इथे बेरोजगार युवक खूप आहेत पिताजी, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आशीर्वाद प्रदान करावा एवढीच बोलतो आणि याच्या नंतर आमचा 15 मेंबर गोपी भाई आहेत हे बात करेल। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सब लोग ठीक हो ना? पिताजी आपका चेहरा देख के यहाँ की सारी संगत निहाल हो गई पिताजी। जी बेटा। पिताजी आप अपने बाड़ी का कोई करिश्मा दिखाइए पिताजी। हाँ पिताजी कुछ दिखाइए पिताजी। जी बेटा राम जी करने वाले हैं बेटा, वही करिश्मा देने वाले हैं। और जैसे आपने अभी बोला कि बेरोजगारी बहुत है गढ़चिरौली में, अभी आपसे पहले जो बोल रहे थे, तो बेटा भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान हिम्मत दे बच्चों को कोई ना कोई रोजगार मिले, ये राम जी से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं सबको। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको जिन्होंने इतने सेवादारों ने मेहनत की, सबको ही मालिक बहुत खुशियां दे। अब बिटिया हमारी कोई बेटी बात करना चाहे तो कर लो। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी महाराष्ट्र की सात संगत की तरफ से माना सा मुद्रा स्वीकार करा। जी बेटा, जी बेटा स्वीकार। पिताजी बहालगढ़ में आए थे तो आप जी से बात हुई थी, तो आप जी ने कहा था कि पूरन पोड़ी बेटा हम खाएंगे जरूर। पिताजी आप बार बार आते हैं, हम बार बार पूरन पोड़ी बनाते हैं लेकिन आप बिना खाए चले जाते हैं पिताजी। और पिताजी इसीलिए एक मराठी में, हाँ बेटा खाने आप जी खाने, के लिए खाने वाला है, अब इधर महाराष्ट्र से कोई आया हुआ है, हम उनको बोलने का है कि इधर जरूर बनाने का। बिल्कुल पिताजी, और हम जरूर खाने का, पक्का पक्का बिटिया खाने का। पर ये पगड़ी का नाम क्या है ये भी पूछने का। फेटा 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 शाबाश बेटा, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है बिटिया। पिताजी पिताजी आप जी के लिए एक मराठी में लावणी है, प्लीज सुन लीजिए पिताजी। सुना दे बेटा। अहो नहीं मिसराया तुमची घाई अन लावले गाठोड बांधायला, यू कशी कशी मी बरनावला हो, यू कशी कशी मी बरनावला, यू कशी कशी मी बरनावला हो, यू कशी कशी मी बरनावला, चंद्रा जैसा मुखड़ा तुमचा पाहतो की आम्ही स्क्रीन वर हो, एकदा तरी महाराष्ट्रात येऊन पूरण पोळी खाकी हो, जी जी रजी हराया जी रजी रजी जी रजी रजी जी रजी रजी जी तेरा ही आसरा। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हो कि कपड़ा कुपड़ा पैक करके इधर आने का है? जी पिताजी आप जी को महाराष्ट्र में नागपुर में गढ़चिरौली में हर जगह अपने कपड़े पैक करके पूरन पोड़ी रोज खाने के लिए आना है। अच्छा, उसके साथ कारी की भाकरी है, मिर्ची का ठेचा है, आपको सब कुछ बना के खिलाएंगे पिताजी। जी बेटा जरूर खाएंगे, जब आए भूलना मत, आएंगे और फिर खिलाना बिटिया सारे मिलके हमारी बेटियां बेटे, अब याद रखना भूलने का नहीं। पिताजी देखिए वहां पर सब लोग बना रहे हैं, देखिए पिताजी एक बार अरे अरे सब बना रहे हैं। हाँ वाह जी वाह, चल रहा है
पिताजी सब आप जी के आए हैं उसकी तैयारियां हैं और ये सिर्फ आप जी के लिए ट्रेलर है, पूरी फिल्म हम आपके आने के बाद बताएंगे पिताजी महाराष्ट्र में। हाँ बेटा जरूर, कोई नहीं, पूरी फिल्म भी देखेंगे और ये ट्रेलर भी खाएंगे जो बनाया है, हैं? और आपको बोला कि इधर महाराष्ट्र के आए हैं बच्चे हमारे, आज उनको कहेंगे जो जो आपने बोला है वो बना के जरूर देंगे, ठीक है? हाँ, और आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों। आज के दिन में चेहरे पे हंसी आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा सा लगता है, लोग इतने बिजी हैं, इतने टेंशन में, और हमारी बेटियाँ और बेटे इतने खुश नजर आ रहे हो, हमें और क्या चाहिए। और आपने वो जो पेंटिंग कर रखी है MSG की, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत हाथ से बनाया, बहुत बढ़िया बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आप ये लोग ले लेना, खा लेना, तो भगवान बहुत खुशियाँ दे, और हम हैं, हम थे, हम ही रहेंगे। जी बिल्कुल सच है। अरे आपने भी बना रखा पेंटिंग, अच्छा अभी अभी बना दिया क्या, उधर से सुन के पहले ही बना रखा था? अच्छा बहुत सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है बेटा। हाँ पिताजी अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना पिताजी। ना, ना 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 बेटा, बहुत बढ़िया बोला बेटिया, बेटी और बाप में, माँ में क्या फर्क होता है, माँ बेटी की, बाप बेटे की बात होती है, तो बढ़िया सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया जी। पिताजी आप हमेशा हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहिए और हमें भी हंसाते रहिए और हमारे जीवन का ऐसे ही उद्धार करते रहिए पिताजी। जी बेटा, आपने एक और चीज बोली थी कि चंद्रमा जैसा मुखड़ा नजर आता है, हमें अपने बच्चियों का चंद्रमा जैसा, बेटियों का, बेटों का नजर आता है, सारे बेटे बेटियां, आपने बीच में बोला था बोलते बोलते, तो हमें ध्यान में आ गया। हाँ बोला था, तो आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, आज आप ही खा लेना, इधर से हम खा लेंगे आपने जो फरमाइश कर दी। हाँ बेटिया कुछ और कहना है, एक और बेटी बोल, लड्डू रख रखे हैं, लंगर भोज। हाँ ठीक है बेटा, बाबा आप कैसे? बिल्कुल ठीक, ठानो रहला पिताजी, गढ़चिरलीला नागपूरला आणि किसान नगरला पूर्ण सातसंगतला आशीर्वाद द्या पिताजी, तुम्ही खूप सातसंगत वाढायला पाहिजे, खूप कमी सातसंगत आहे पिताजी। जी बेटा फिक्र ना करो, आप जिस तरह से लगे हुए हो बहुत हो जाना है। अंतकला दोन लाइन बोलते पिताजी। हाँ बोल दे बेटा, तू क्यों पीछे रहे? हाँ बेटा पिताजी मी एक उखाणा म्हणून दाखवते, मनाच्या गाभाऱ्यात, मनाच्या गाभाऱ्यात बाबाजीची मूर्ती अशीच वाढत राहो देवा MSG किस्ती, मनाच्या गाभाऱ्यात बाबाजीची मूर्ती अशीच वाढत राहो देवा MSG किस्ती। जी बेटा जी बेटा, तो आपके मन में मूर्ति है तो मूर्ति कायम रहे, मालिक बहुत खुशियां दे बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। तो अब आशीर्वाद बेटा जी, प्रसाद ले लेना आराम से बैठ के, और ये हाँ जी लड्डू है, लंगर भोजन है, और बाकी आपका वो जो महाराष्ट्रियन खाना चल रहा है तो वो भी खा लेना सारे। आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद, सारी सत्संगत को, पीछे तक नजर आ रहे हो, खड़े हुए भी हमें नजर आ रहे हैं, काफी बड़ा पंडाल बना रखा आप लोगों ने, तो आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, इसके अलावा एक जगह और है, श्री रापर लोहान महाजन समाजवाड़ी कच्छ गुजरात, ये रह गए थे शायद, हाँ तो ये लास्ट हैं, ये हैं। हाँ गुजरात वालों केम छो, राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम, जब से तू मुझ में आया हो रे सफल काम, राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम वाहेगुरु गॉड राम, राम जी तू कमाल है, राम जी दिल बात कमाल है, राम जी दिल बात कमाल है, राम जी दिल बात कमाल है।
सुन है इसलिए पिया तेरी नाम का मिल चुल के हम सब मनाए जी बेटा बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हाँ जी गुजरात वालों सुनाओ बेटा क्या हाल चाल है आपका। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी सारा गुजरात सदैव आपका ऋणी रहेगा। जो आपने उपकार गुजरात पे किए हैं, जब त्रासदी हुई थी, भूकंप आया था, कोई सहारा नहीं बचा था आपके सिवा, आप हजारों सेवादारों को लेकर फौरन पता लगते ही उसी वक्त आप साथ के साथ चल पड़े और लगभग 1.5-2 महीने तक आपने यहाँ हर गांव-गांव में हर क्षेत्र में जाकर यहाँ की जो धरती है पिताजी, यहाँ का कण कण जो है आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त है उस कण कण को, और आपने पिताजी इतना इतना यहाँ गुजरात में उपकार किया है, ये सदैव ऋणी रहेगा गुजरात आपका। बस बेटा राम जी ने ख्याल दिया, हम तो सेवादार हैं उसके, जैसे उसने ख्याल दिया हम आपकी सेवा में आ गए, तो राम जी का ऋण आप लोग ही चुकाएं समाज में से नशा बघा के। हम तो बेटा आपके हमेशा सेवादार हैं और आशीर्वाद हमेशा देते हैं, गुरु के रूप में भी मालिक खुशियां दे। पिताजी आप घर घर में गए, आपने रोटला खाया, यहाँ बहन नागल बहन आई हुई है पिताजी, वो बेटी उसके दो बेटे एक्सपायर हो गए थे उस भूकंप में हैं, और बहुत बुरा हाल था, आपने उसको ढांढस बंधाया, दो बेटे घर के पूरा परिवार पिताजी आया हुआ है, दो बेटे एक्सपायर हो गए थे, आपने उसको आशीर्वाद दिया पिताजी कि कहीं नहीं गए हैं बच्चे वो, और पिताजी वही दो बच्चे सेम शक्ल सेम सब कुछ आपने उसको पोते के रूप में दे दिए पिताजी, और आए हुए हैं पिताजी यहाँ पे। जी बेटा जी बेटा नागल बहन आगे संदीप अनु जी पिताजी आए हुए हैं वो यहाँ पर, चलो बात कराना, उसने कहा रोटला खाया था आज भी याद है कि वो उसके पास बैठ के खाया था, कि नहीं मेरे पास मोटा बाबू मेरे पास बैठ के खाना, तो उसके पास बैठ के खाया था, ये बात हमने कुछ दिन पहले सुनाई भी थी, यहीं पे सुनाई थी। जी जी हाँ वो भी आई है बिटिया हमारी। हाँ बेटा कैसे हो आप? हाँ आशीर्वाद बेटा, माइक नजदीक कर दो बेटा। हाँ बेटा आशीर्वाद से हमारे जी। हाँ आशीर्वाद बेटा, तो आपके बच्चे आ गए ना दो वापिस? अच्छा परिवार से हमारा पिताजी हमारा आशीर्वाद परिवार से हमारा शांति होता है। जरूर जरूर बेटा जरूर। बेटा है तो आपकी आशीर्वाद से ही बचा था और आगे आपने पोते दिए हैं जो इसको। हाँ हाँ धन धन सत करो तेरा ही आसरा। हाँ ठीक हो बेटा, ठीक हो, केम छो तुम्हें? बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सुनाओ कैसे हो केम छो? जी बहुत आशीर्वाद बेटा, हमें आज भी याद है वो उत्तरादशी कि जिस भी घर में जाते थे पूरे गांव में कोई ना कोई शरीर छोड़ जाता छोड़ा हुआ था, किसी कोई ना कोई मरा हुआ था, बड़ा दर्दनाक मंजर था वो, मतलब हम भी छलांगे मार मार के दीवारें लांग लांग के, क्योंकि खंडहर बने हुए थे सारे घर, चाहे वो पक्का था चाहे 3 मंजिला था, आज भी हमें याद है बेटा आप लोगों में हम घूमे थे 2 महीने और आप लोग गाँव छोड़ छोड़ के जा रहे थे कि गुरु जी और भूकंप आएगा हमने नहीं रहना, तो हमारे डॉक्टरों की टीमें थी, बहुत डॉक्टरों ने वहाँ सेवा की थी और टेंट लगाने वाले टेलरों ने बहुत सेवा की थी, तो आपके वहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार लोग हम लोग आए हुए थे, तो हमें याद है कि आपकी माँ के पास बैठ के हमने वो रोटला खाया था, शक्कर रख के, आपकी माँ रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा था रो मत बेटा, कहने लगे नहीं मेरे दो चले गए, हमने कहा कोई नहीं मालिक देगा कहीं नहीं गए, तो राम जी ने सुन ली हमारी, तो ये दोनों अब वो खुश है दोनों खड़े हैं, तो आशीर्वाद बेटा ये उसकी कृपा है, फकीरों की सुन लेता है, ये उसकी मान बढ़ाई है, हम तो खाके हैं बेटा कुछ भी नहीं, सो आशीर्वाद आशीर्वाद सबको। और कोई बात बेटा? धन धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। हाँ बेटा जी
पिताजी मैं प्रतापगढ़ से दिलीप इंसान बोला आपका बेटा। हाँ बेटा कैसे हो पिताजी? बिल्कुल ठीक है बेटा। पिताजी आप 21 साल बाद हमारे ब्लॉक में आए हो, आपका लख लख बधाई पिताजी। जी आप पिताजी सारी संगत का गुजरात का नारा कबूल करना पिताजी। आशीर्वाद। जी बेटा पिताजी हमारे गांव में बहुत ये भूकंप आया था, सारा गांव गिर गया था पिताजी। वो प्रतापगढ़ सारा गांव पिताजी तुम्हें बनाया, घर घर में पहले पिताजी आटा नहीं मिलता, 10 किलो सारा गांव में इकट्ठा कर करके अभी सारा गांव को माला माल कर रखा है पिताजी। किसी को ट्रैक्टर, किसी को बाइक, किसी को पेट्रोल पंप बना है पिताजी आपके आशीर्वाद से पिताजी। जी बेटा सारी पिताजी आशीर्वाद देना। जी आशीर्वाद बेटा, हमें याद है कि वो पूरा गांव खत्म हो चुका था और लकड़ी के मकान बनाए थे, जापान की भी टीम आई हुई थी वहाँ, तो हम लोगों ने वो लकड़ी के मकान बनाए थे। वो पूछने थे डिजाइन किसने किया, हमने कहा भाई देसी जुगाड़ हम लोगों ने किया है, तो वो लकड़ी के मकान पूरा गांव बना के दिया था आप लोगों का, याद है सेवादारों ने, तो राम जी ने कृपा करी थी बेटा। जी बिल्कुल, आज आप लोग माला माल हैं तो ये राम जी की कृपा है। दन दन सतगुरु तेरा। हाँ बेटा सतगुरु तेरा ये आसरा पिताजी। हाँ बेटा केम सो पिताजी? मजे में सब बेटा। आप केम छो बेटा? सारे बच्चे मैं सोनल इंसा गुजरात से बोल रही हूँ पिताजी। हाँ बेटा बोलने की हिम्मत देना पिताजी। हाँ बेटा बोलो बेटा। पिताजी सारी सात संगत की ओर से नारा कबूल करो जी पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी आप हुकुम में 2001 में आए थे, अपने सभी को कैसे जोड़ा था पिताजी? हम आप आए थे तो हम का ख्याल रखा पिताजी, आप आए थे तो। हाँ बेटा। पिताजी आप बहुत मस्त लगो सर। अब बेटा माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही लगता है हमेशा। पिताजी मैं भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुना दे बेटा। नूरे जला खूब अच्छा सुनाया बेटा, बहुत बढ़िया सुनाया। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिता मैं पुलिस लाइन में जाना चाहती हूँ। जरूर जाना चाहिए, पूरा आशीर्वाद, मालिक रहमत करे बेटा। जी तो तेरा ही आसरा पिता। हाँ जी आपने बहुत सुंदर रंगोली भी बना रखी है, बहुत सुंदर है ये लिख रखा रोटला खाबड़ा जी या कुछ ऐसा आपने लिखा। हाँ बेटा प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा जी, और सुंदर रंगोली भी बना रखी है आपने, बहुत ही सुंदर, और भगवान सबको खुशियाँ दे, बहुत बहुत आशीर्वाद 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 बेटा जी। बैठ के आराम से प्रसाद ले लो जो भी आपने रख रखा है, आशीर्वाद। और इसके अलावा पूरे भारत में लेकिन ज़्यादा लोग जहाँ बैठे शास्त्र राम जी धाम सरसा हरियाणा, वहाँ बहुत सात संगत बैठी है, हाँ पंडाल काफ़ी भरा हुआ है और बहुत लोग बैठे हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आशीर्वाद बेटा। इसके अलावा पूरा हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली यूपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गोवा हिमाचल प्रदेश गुजरात बिहार पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कर्नाटका मैसूर और विदेशों में पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से, पर जहाँ ज़्यादा लोग बैठे हैं कैनेडा अमेरिका हांगकॉन्ग ओमान ऑस्ट्रिया साइप्रस सिंगापुर इटली जर्मनी फिलीपाइंस स्वीडन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नेपाल मलेशिया इंग्लैंड सऊदी अरब जाम्बिया कुबैत यूएई दुबई फ्रांस अबू धाबी पुर्तगाल स्पेन जापान मॉरिशस बहरीन आदि देशों में लाखों की तादाद में सात संगत बैठी है और
जूम के माध्यम से 100 से अधिक जगहों से लोग जुड़े हुए हैं सामने, आप लोग हमें नजर आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो भी प्रसाद आप लोगों के पास है ले लेना, प्रसाद बन गया मालिक खुशियां दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी सारी चीज़ों के लिए आशीर्वाद है बेटा। 3-4 महीनों में शादियां हुई, सामने करवाना चाहे खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, आज समझ लेना हाथ डल गया आपके, प्रसाद लेना निशानी ले लेना। बच्चे हुए नए वो भी खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, नाम अपने ग्रंथ जो है उसमें से रख लेना, सबको बहुत आशीर्वाद। नए काम सारे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद। विदेश जाना है कानूनी तौर पे जाना, मालिक साथ देंगे आशीर्वाद। आए हैं विदेशों से सेवादार सामने भी कोई इंडिया में आए हैं तो उनको सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे बेटा, बहुत बहुत प्रसाद लेना। पूरी साथ संगत को नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। हाँ सामने भी, हाँ जी बैठ जाइए आप लोग, सरसा में भी कुछ लोग हैं, आशीर्वाद। और समितियों के सेवादार शिफ्ट पूरी होगी, वो जाना चाहते हैं, बदलते रहते हैं जो सेवादार, खड़े हो जाएं, प्रसाद ले जाना, परिवारों को आशीर्वाद कहना, भगवान घरों में खुशियां दे, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा नारा लगा के। और कोई बीमार है तो अच्छे डॉक्टर से दवा लो, नहीं तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवा लो और सुमरण करके दवा लो। अगर 10% दवा असर करती है, अगर मेडिटेशन करोगे, हमने आजमाया है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, 100% दवा असर करेगी, भगवान ने चाहा जरूर आपको तंदुरुस्ती आएगी। प्रसाद ले लेना आशीर्वाद। बच्चा नहीं हो रहा, दोनों मियां बीबी चेकअप करवाओ, रिपोर्ट में कमी है तो सुमरण करके दवा लीजिए। फिर भी अगर ऐसा कि रिपोर्टें नॉर्मल हैं फिर भी नहीं हो रहा तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो आपके घर खुशियां जरूर भेजें, आशीर्वाद। और परिवार में से कोई गुजर गया है, चोला छोड़ गया है तो खड़े हो जाएं बेटा वो परिवार। बेटा दुख जरूर लगता है जब घर से कोई चला जाता है, लेकिन आना जाना ये भगवान का नियम है, जो आता है वो जाता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। सो मालिक आपको ताकत दे, जो राम नाम लेके जाते हैं वो राम जी की गोद में जाते हैं। सो मालिक आपको झेलने की ताकत दे, हिम्मत दे। हाँ सामने भी जो खड़े लाइव पे नारा लगा के बैठ जाएं, प्रसाद ले लेना बेटा आशीर्वाद। शास्त्र राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग पक्की समिति MSGIT विंग यूथ का नया प्रसाद लेना चाहते हो, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ और मालिक रहमत करे, आशीर्वाद जी बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाइए बेटा, नाम दर्ज करवा लेना बच्चों, नाम दर्ज करवाना, काफ़ी सेवादार आए हैं जो सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बैठ जाएं, मालिक बहुत खुशियां दे। अब शादी वाले परिवार हैं जी, पहला परिवार लड़के का नाम यहाँ पे यूपी में है, हमित कुमार पुत्र मोतीलाल जी का निवासी खेड़ी नोद सिंह, जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब। लड़की का नाम रुपिंदर कौर पुत्री सज्जन सिंह जी थी, निवासी कलाल माजरा जिला लुधियाना पंजाब। दूसरा लड़के का नाम राकेश पुत्र तेलुराम जी का निवासी हिसार हरियाणा। लड़की का नाम शीतल पुत्र नरेश कुमार जी की निवासी हिसार हरियाणा। तीसरा लड़के का नाम मोहित गुप्ता पुत्र केवल कृष्ण जी का निवासी रायकोट जिला लुधियाना पंजाब। लड़की का नाम मीनाक्षी पुत्री श्री दीप कुमार जी की निवासी रामपुरा फूल जिला बठिंडा पंजाब। और चौथा परिवार सरसा आश्रम में है जी, लड़के का नाम साहिल कुमार पुत्र अशोक कुमार जी का निवासी फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम पूनम पुत्री बिल्लू जी की श्री बिल्लू जी की निवासी नांगलोई दिल्ली। दोनों बच्चे एक स्टूडेंट हैं जी। और चारों परिवारों के कुल 35 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान व शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। शादी वाले दिन किसको याद होता है कि ये पर्ण करना है, बहुत बड़ी बात। और हर परिवार के मेंबर दीन दुखियों के मद के लिए बैंक में 7700 रुपये जमा करवा चुके हैं, सो बहुत आशीर्वाद। तो शास्त्र राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर जो प्राकृतिक आपदा आने पे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, वो बच्चे भी हमारे आज शादी के लिए आए हुए हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत सैल्यूट, सबको आशीर्वाद। और अब बेटा नारा लगा के आप हार डाल दें, पहले बिटिया हार डालेगी, ये ध्यान रखना। हाँ जी साजी थोड़ा सा जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चे, बहुत आशीर्वाद। आपस में प्यार से रहना बेटा, भगवान खुशियां दे। और आप बैठ जाना अपने अपने जगह पे जाके। बैठ जाएं बेटा। और आज सेवादार ये और पूरी साध संगत की तरफ से आया है कि आज हम दो पर्ण करना चाहते हैं जिंदगी में। ध्यान से सुनना, कभी किसी के साथ कड़वा नहीं बोलेंगे, पर हम एक बात और जोड़ते हैं, अगर बोला गया तो सॉरी फील कर लेना, ये साथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि बोला जा सकता है। आश्रम में सतगुरु के प्रति
और ये जो नशा छुड़ाने की मुहिम है या जितने भी जिले उनके प्रति 100% वफादार रहेंगे। तो बेटा आप लोग ये चाहते हैं तो भगवान आपको बहुत खुशियां दे, ये पर्ण पूरे हों, आप मीठा बोलें और भगवान आपको ताकत दे। आपने सोल्यूशन भी बता दिया अगर बोला जाता है, क्योंकि आदमी आखिर हो जाता है ऊपर नीचे, तो मालिक रहमत करे, नारा लगा के हाथ नीचे कर लें, भगवान और नई नई खुशियां दे। बहुत बड़ी तादाद में आपने पर्ण किया है, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। आर्मी से आए हैं जी, फौज से, हवालदार जसवंत इंसा जम्मू कश्मीर से, नीलम इंसा हरियाणा पुलिस से, कांस्टेबल हरप्रीत इंसा पंजाब से, और फौजी रोशन लाल जी। तो आप सबको पहले बहुत बहुत सैल्यूट बेटा। आप लोग जागते हैं, समाज आराम की नींद सोता है। इधर बिटिया भी हमारी आई है, उसको भी बहुत आशीर्वाद। सो मालिक ताकत दे, हिम्मत दे और आगे तरक्की करें आप लोग, और हिम्मत से आगे बढ़ें, मालिक खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाएं, प्रसाद अलग से ले लेना बेटा। बेपरवाह मस्ताना जी के अवतार दिवस और आप जी को डॉक्टर की डिग्री मिलने की खुशी में डेफ्थ कैंपेन के तहत नए जीवों का नशा और बुराइयां छुड़ाने के लिए MHGIT बिंग ने 7 बसें, गुरदीप कुलविंदर इंसा स्टूडेंट बिनीपैक कैनेडा 7 बसें, लाला बाबू शर्मा इंसा 1 लाख, शिवम इंसा गोहाना 15 मेंबर 41,400 रुपये बैंकों में जमा करवा चुके हैं। तो आप लोग दीन दुखियों मद के लिए अपने बैंकों में जमा पैसा करवाते हैं, उसको लगाना, मालिक खुशियां दे, बहुत बहुत दया मेरे हमसे नवाजे। खड़े होकर नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं बेटा। आशा बेटा, और कुछ ऐसे आए कि जसप्रीत इंसा ब्लाक मोड़ मंडी बठिंडा के अलग अलग 6 जगहों पर हुए एक्सीडेंटों में लोगों की जान बचा के अपनी गाड़ी से उठा उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बड़ी बात है। कहाँ है बेटा वो लड़का? शाबाश बेटा, कमाल कर दी, मालिक बहुत खुशियां दे, प्रसाद अलग से लेना। वीर वाला इंसान व स्वाति इंसान ने मुंबई में कैंसर पीड़ित लोगों के लिए हेयर डोनेट किए हैं। जी बेटा, शाबाश बच्चों, शाबाश। पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई सेवा का मौका नहीं चूकते आप हमारे बेटे बेटियां। सुमाली खुशियां दे बेटा, प्रसाद लेना बच्चे। आगे से भी बड़े बाड़ आए हुए हैं तेरे तो बेटा। देख, अभी अभी दिखाया हमें स्क्रीन पे, तो आपने जैसे सिर झुकाया तो पता चला आगे से बड़ा, मतलब हाँ जी सिर को थोड़ा, हाँ देख बेटा बहुत बड़े आगे आपके तो। सुमाली की रहमत करने वाले हैं, आशीर्वाद। शाबाश बच्चों, आप भी प्रसाद लेना। हिना इंसा स्टूडेंट ने शहीद ऊधम सिंह जी का सबसे छोटा पोर्ट्रेट 3.1 x 2.7 सेंटीमीटर राई के दानों से बनाया है, जो कि इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली, अवार्ड आप जी को समर्पित करना चाहते हैं जी। शाबाश बच्ची, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया आपने की कला है। सो भगवान खुशियां दे, हमारी बेटी है तो हमारी तरफ से एक तोहफा समझ के रखना, मालिक और खुशी दे, आशीर्वाद। गुर कीर्तन कौर पटियाला पंजाब में ट्विटर पर एक दिन में 2472 ट्वीट करके इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, अगर भलाई के ट्वीट करते हो तो मालिक और खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना बेटा। और रेनू इंसा कोटा से लिंक्ड इन ऐप पर आप जी के हेल्थ टिप्स के 247 पोस्ट एक दिन में किए, जो कि इंडिया में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुए। तो उनको भी बहुत आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, शाबाश शाबाश। अनु इंसा सोनीपत ने एक दिन में इंस्टाग्राम पर 508 पोस्ट करके इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। जी बेटा, आपको भी आशीर्वाद। जो भी कला है, कला तो अपने आप में बड़ी चीज है, तो मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। काश जिंदगी में ऐसा मुकाम आए, मेरी रूह और जान आपके काम आए, हर दुआ में यही मांगते हैं आपको, आपके शागिर्दों में मेरा नाम है। श्याम मस्ताना जी के अवतार माह के उपलक्ष्य में लंगरगर सिरसा 1 लाख रुपए नशा व बुराइयां छुड़ाने के लिए बैंक में जमा करवा चुके हैं। तो खड़े हो जाएं वो लंगरी सेवा वाले सेवादार बहने भाई। अब तक वहां उतरते हैं खुशबुओं के काफिले, एक बार लिख दिया था तेरा नाम जिस जगह पे। अरे वाह, सारे शायर बने हुए हैं हमारे बच्चे। श्याम मस्ताना जी के अवतार माह के उपलब्ध में 4th शिफ्ट पंडाल समिति 25,770 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं नशा छुड़ाने के लिए। और कुछ बहने सरसा में भी ऑनलाइन बैठी है, तो सुंदर सा कार्ड भी बच्चों ने बनाया है। सो आशीर्वाद बच्चों, मालिक बहुत खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना। हाँ जी, कुछ बच्चे यहाँ पे 14 ऐसे हैं जो पिछली बार माफी लेने से रह गए थे, वो खड़े हो जाएं। 14 हैं,
तो जो भी हैं खड़े हो जाएं बेटा। वो दो बातें आपसे कहा था, तीन वचनों पे पक्के रहना और दृढ़ यकीन रखना। क्या आप इस पे पक्के हैं तो हाथ खड़ा करके बताएं, दोनों हाथ एक बीच में चढ़ा नहीं, या तो नीचे कर लो या ऊपर कर लो। हाँ जी, तो नारा लगा दें, मालिक जरूर माफ़ करेगा। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाएं। दोबारा फिर कोई ऐसा कर बेटा तो वो डेढ़ घंटा सुबह शाम सिमरन करो बेटा, मालिक जरूर शायद रहमत करें, आशीर्वाद। और अब सारी साध संगत जो ऑनलाइन बैठी, लंगर भोजन ले लो बेटा आप सारे, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। जो यूट्यूब से जुड़े हैं, जो भी शाकाहारी शुद्ध भोजन रखा हुआ है, प्रसाद बन गया, आप ले लेना। कहीं आप कुछ और रखे बैठे हो तो फिर वो ठीक नहीं, हमारी तरफ से तो वही प्रसाद है, कोई भी चीज़ रखी बैठे तो आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको, मालिक बहुत बहुत खुशियाँ दें।